गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि पिछले बीते सोमवार रात विक्रम जोशी को बदमाशों ने गोली मार दी थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को 35 करोड़ रुपए की घूस का आरोप लगाने के मामले में कानूनी नोटिस भेजा है। मेक्सिको में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 40,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना के 356,255 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के शिकागो में देर रात एक कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में कम से कम 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में शिकागो पुलिस ने एक व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस वायरस से मरने वालों की संख्या 6,19,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों का आंकड़ा 1,50,93,000 को पार कर गया है, जबकि 91,10,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिला फतेहगढ़ साहिब स्थित चंदननौत सिंह में पुलिस द्वारा बीती रात नाकेबंदी के दौरान दो व्यक्तियों को 1 क्विंटल बुक्की, चूरा पोस्त और 1.5 किलो अफीम सहित काबू करने का दावा किया गया है। कोरोना की चपेट में आए बूटा सिंह 62 वर्षीय पुत्र सोहन लाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी फिरोजपुर शहर की इलाज के दौरान मौत हो जाने की खबर मिली है। उक्त व्यक्ति कोरोना पीड़ित पाए जाने के बाद बीते दिनों सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडिया समिट में मुख्य भाषण देंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका सहयोग और महामारी काल के बाद की दुनिया में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों का भविष्य सहित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चाएं होंगी। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिला होशियारपुर स्थित गढ़शंकर के 49 वर्षीय व्यक्ति की आज सुबह मोहाली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति का कुछ सप्ताहों से स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इलाज चल रहा था। भोपाल के आईजी उपेंद्र जैन ने बताया कि शेखर लोधी, जिसके खिलाफ 18 मामले दर्ज थे, उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम था, आज कलियासोत के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में वह घायल हो गया। पुलिस द्वारा रोकने पर उसने भागने की कोशिश की और गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की।